हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। देखो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, गॉस-जॉर्डन मेथड हम करने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वैसे ऑलमोस्ट जितने भी मेथड मैं आपको करा रही हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि सब के सब अभी क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारा गॉस-जॉर्डन मेथड में आपको स्टेप बताऊँगी, बिकॉज हम जल्दी जल्दी क्विक रिविज़न कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन दे रखी है। हमें क्या करना है, एक्स को एलिमिनेट करना है इक्वेशन नंबर सेकंड से और इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें निकालना पड़ता है ए टू बाई ए वन। सेकेंड में क्या होगा, ए टू बाई ए वन हम सोल्व करते हैं, जो कि ए टू बाई ए वन करते हैं, ठीक है। और जो हमारा यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ए थ्री बाई ए वन मतलब कोफिशेंट ऑफ एक्स हम निकालते हैं, ए टू बाई ए वन निकालते हैं, ए थ्री बाई ए वन निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया। अब ये करने के बाद में जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, सेकेंड में से हम ए टू माइनस ए वन को माइनस कर देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में से ए थ्री बाई में ए वन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। इस स्टेप्स को आप अच्छे से समझिए, अभी ये देखने में थोड़ा ईजी लग रहा है, क्वेश्चंस में हम करते हैं तो कन्फ्यूज नहीं होना है आप लोगों को भी। इतना हो गया, रिड्यूस कर देंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन को। अब देखो जब हम निकालते हैं ना इसको, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, बी टू डैश हम इसको नाम दे देते हैं। अब जब इसको चेंज करेंगे, कुछ माइनस करेंगे, तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आएंगी, तो हम इसको बोल सकते हैं बी टू डैश बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, सी टू डैश बोल देते हैं, यहाँ पे डी टू डैश बोलते हैं, यहाँ पे बी थ्री डैश बोलते हैं, सी थ्री डैश बोलते हैं, और डी थ्री डैश बोल देते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करते हैं। y को एलिमिनेट किस में से करते हैं, इक्वेशन नंबर फोर्थ में से और इक्वेशन नंबर सिक्स्थ में से एलिमिनेट करेंगे हम इसको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं बी वन, जो बी वन होगा, बी वन बाय में हम क्या निकालते हैं, बी वन बाय में बी टू डैश, बी वन, बी वन बाय में, क्योंकि हमें y एलिमिनेट करना है तो y के कोफिशेंट लेके चलेंगे। हमने क्या निकाला, बी वन अपॉन में बी टू डैश, क्या निकालेंगे, फोर्थ और सिक्स से कर रहे ना, तो बी वन अपॉन में बी टू डैश, और फिर हम क्या निकालेंगे, बी थ्री डैश अपॉन में बी टू डैश, बी थ्री डैश अपॉन में बी टू डैश, ठीक है। क्या क्या हमने बी वन के अपॉन में तो बी टू किया, और बी थ्री के अपॉन में क्या कर दिया, बी टू कर दिया, मतलब कि एक घुमा के एरो सेंटर पर ही आ रही है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। फिर वही करेंगे जो ये वाली इक्वेशन थी ना, जिसमें बी वन अपॉन में बी टू डैश निकाला हमने, बी वन कंसिडर था, फोर्थ में से माइनस कर देंगे जो ये वाला हमने निकाला, बी थ्री डैश अपॉन में बी टू डैश, जो ये वैल्यू निकालेगी इसको हमने इसमें से माइनस कर दिया। फिर हमारे पास इक्वेशन नंबर सेवन्थ, इक्वेशन नंबर एट, इक्वेशन नंबर नाइन्थ आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ए वन डबल डैश एक्स प्लस में सी वन डबल डैश जेड, ठीक है, इक्वल्स टू डी वन डबल डैश हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, बी टू डैश वाई सी टू डैश जेड इक्वल्स टू डी टू डैश जेड। इसको हम क्या बोलेंगे, सी थ्री डबल डैश जेड इक्वल्स टू डी थ्री डबल डैश। इतना कर दिया। अब हम एलिमिनेट क्या करेंगे, एक्स एलिमिनेट कर दिया हमने, वाई एलिमिनेट कर दिया, अब किसकी बारी आती है, एलिमिनेट करने की बारी आती है जेड की, ठीक है। तो देखो हम जेड को एलिमिनेट करते हैं, जेड को एलिमिनेट करेंगे इक्वेशन नंबर सेवन्थ में से और इक्वेशन नंबर एट्थ में से। इसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम करते हैं कोफिशेंट जेड के लेंगे, तो हम लेके चलते सी वन डबल डैश अपॉन में सी थ्री डबल डैश, ठीक है, सी वन डबल डैश अपॉन में सी थ्री डबल डैश लेके चलते हैं, और यहाँ पे हम क्या लेके चलते हैं, सी टू डैश अपॉन में सी थ्री डबल डैश। इतना हो गया। इसको भी हम क्या करेंगे, जो सी वन डबल डैश अपॉन में सी थ्री डैश जो हमारा निकलेगा, उसको इक्वेशन नंबर सेवन में तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो सी टू डैश अपॉन में सी थ्री डैश निकलेगा, उसको हम इक्वेशन नंबर नाइन्थ में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी इक्वेशन नंबर एट्थ में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और साथ में हम क्या करें, इक्वेशन नंबर नाइन्थ को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो फिर लास्ट में हमारे पास कुछ ऐसा निकलेगा, और उसके बाद हम ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, जो कि क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास है गॉस-जॉर्डन मेथड, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है हमारा MDU 2019 में आ चुका है, मतलब एक तरह से आप क्वेश्चन पेपर ही कर रहे हैं ये मान लीजिए आप लोग। तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है बट ईजी पड़ जाएगा। अब देखो सॉल्विंग द इक्वेशन बाय द गॉस-जॉर्डन मेथड, ठीक है। इसको हम बोलते इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम बोलते इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको हम बोलते इक्वेशन नंबर थर्ड।
हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री के फॉर्म में है ये, ठीक है। तो हम क्या क्या करेंगे, एलिमिनेट, एक्स वन एलिमिनेट करेंगे, फिर एक्स टू एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद में हम क्या एलिमिनेट करेंगे, एक्स थ्री को एलिमिनेट करेंगे। ओके, देन टू एलिमिनेट एक्स वन फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे एक्स वन इक्वेशन नंबर सेकेंड से और इक्वेशन नंबर थर्ड से। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड अपॉन में इक्वेशन नंबर थर्ड, हम क्या निकालेंगे, देखो सेकेंड और थर्ड से एलिमिनेट करते हैं, हमारे पास क्या होता है, ए टू अपॉन में ए वन होता है, ए थ्री अपॉन में ए वन होता है। ए टू अपॉन में ए वन कितना हो जाएगा, थ्री बाय टू हो जाएगा। ए थ्री अपॉन में ए वन कितना हो जाएगा, वन बाय टू हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को। अब जी इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास, देखो ये वाली इक्वेशन है, इसमें से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे थ्री बाय टू को, और जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो मैंने आपको जर्नल फॉर्म बताई उसमें मैंने आपको नॉर्मली सिर्फ मैं बताई जा रही थी कि इसमें से ये माइनस कर देंगे, मैंने ये नहीं बताया था कौन सी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके आपको लिखना है, या शायद बता भी दिया होगा। तो देखो ध्यान से, जो हम इक्वेशन नंबर सेकेंड है, इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसको लेंगे, उसमें से माइनस करेंगे थ्री बाय टू मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। देखो देखो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, हम लिखेंगे थ्री एक्स वन प्लस में टू एक्स टू माइनस में टू एक्स थ्री, ठीक है। ये माइनस टू बाद में लिख देंगे हम, यहाँ पे प्लस टू लिख लेती हूँ मैं, इसको इस साइड ले आती हूँ पहले, ठीक है। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे, माइनस करेंगे थ्री बाय टू मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी, थ्री बाय टू की मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, जो कि हम लास्ट में ए वन करके लिख रहे थे। इसको हम लिखेंगे टू एक्स वन प्लस में फोर एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस में थ्री। इतनी बात क्लियर हो गई, अब ठीक है, इतना हो गया हमारे पास में। अब पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, थ्री एक्स वन प्लस में टू एक्स टू माइनस में टू एक्स थ्री प्लस में टू माइनस में, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स वन प्लस में टू टू ज़ा फोर, थ्री टू ज़ा सिक्स, माइनस का ही सिक्स एक्स टू, यहाँ पे माइनस का फिर थ्री एक्स थ्री अपॉन में टू, यहाँ पे प्लस का तीन तिया नौ इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो माइनस को फोर एक्स टू आएगा, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस को मन ले लिया टू एक्स थ्री प्लस में थ्री एक्स थ्री अपोन में टू, तो तीन दो दूनी चार हो जाएगा यहाँ पे अपोन में टू, और ठीक है तीन तीन छः और एक सात, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, माइनस फोर एक्स टू माइनस में सेवन एक्स थ्री अपोन में टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, ये नाइन को इस साइड लेके चल जाते हैं और टू को भी उस साइड लेके चलते हैं, माइनस इलेवन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। और हाँ यहाँ पे देखो नाइन बाय टू आएगा, तो यहाँ पे भी नाइन बाय टू आना चाहिए, तो टू टू ज़ा फोर करेंगे, माइनस नाइन माइनस में फोर बाय में टू, तो यहाँ पे माइनस थर्टीन बाय में टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ जाएगा माइनस फोर एक्स टू माइनस में सेवन एक्स थ्री अपॉन में टू इज इक्वल्स टू माइनस थर्टीन बाय टू। इस टू की से मल्टीप्लाई कर दूंगी, एट हो जाएगा, इसका एलशेप ले लिया, टू से हो गया टू कैंसिल, ठीक है। तो माइनस एट एक्स टू माइनस में सेवन एक्स थ्री इज इक्वल्स टू माइनस थर्टीन, एक्स भी कॉमन ले लिया दोनों में से मैंने, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी नॉर्मली हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, देखो एट एक्स टू प्लस में सेवन एक्स थ्री इज इक्वल्स टू थर्टीन। देखो देखने में कितना आसान था, इसने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हमें कि देखो कितना लेंथी पड़ा ये क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर थर्ड दे रखे हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस में एक्स थ्री, एक्स वन माइनस में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री इज इक्वल्स टू सिक्स, माइनस में सिक्स लिख रही हूँ मैं इसको। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं, माइनस के वन बाय टू माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास ए थ्री बाई ए वन आया था उसकी, किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कितनी थी, टू एक्स वन प्लस में फोर एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस में थ्री इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। एक्स वन माइनस में एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस में सिक्स माइनस में टू बाय टू एक्स वन माइनस में फोर बाय टू एक्स टू माइनस में एक्स थ्री बाई में टू माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स टू बाई में टू। मैंने अब की बार पहले लिख लिया क्योंकि पिछली बार ही हम यहाँ पे भूल गए थे, और अगर हम यहाँ पे भूल जाते क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। टू से टू कैंसिल, टू टू ज़ा फोर जाएगा यहाँ पे। तो इसको अब सोल्व करेंगे, एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस में एक्स थ्री माइनस में सिक्स माइनस में टू एक्स टू माइनस में एक्स थ्री बाई में टू
इसको भी इसके साथ बाद में, चलो बाद में कर लेंगे इसको, ठीक है, इतना हो जाएगा हमारे पास। अब देखो x1 की टर्म एज इट इज़ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x1 की टर्म तो है नहीं फिलहाल, ठीक है, x1 नहीं ये रहा, माइनस में x1 था, तो माइनस x1 से प्लस x1 कट गया, x2 x2 माइनस 3x2 हो जाएगा यहाँ पे, x3, और इसको सोल्व अगर हम करते हैं तो देखो x3 माइनस x3 अपॉन में 2, ठीक है, 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, तो हमारे पास कितना आ जाएगा x3 बाय में 2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, एक्स टू आ गया, एक्स थ्री आ गया, अभी ये रह गया हमारे पास, इसको मैं इस साइड लेके चल जाती हूँ, पहले 6 माइनस में 3 बाय टू, छः दुनी 12 हो जाएगा, एल्शियम ले रही हूँ मैं यहाँ पे नॉर्मली, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया, तो 9 बाय टू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 3x बाय टू प्लस में x3 बाय टू इज इक्वल्स टू 9 बाय टू, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टू जो 6 यहाँ पे 2 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो माइनस 6x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास यहाँ पे आ जाना चाहिए, ठीक है, माइनस 6x2 प्लस x3 इज इक्वल्स टू 9 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखो इतना आपको सोल्व करना आ गया होगा कि कैसे कैसे सोल्व करके हम निकाल सकते हैं, तो फोर्थ आ गया, फिफ्थ आ गई, सिक्स्थ इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, हम एलिमिनेट करेंगे x2 को। अब देखो x2 कहाँ कहाँ पे, पहले तो हम ये बात देख लेंगे, x2 आ गई यहाँ पे, तो यहीं से एलिमिनेट करेंगे, और हम कौन सी इक्वेशन लेके चलते हैं, फोर्थ और सिक्स्थ इक्वेशन लेके चलते हैं, और सेंटर में आते हैं डायरेक्ट, उठ के ऐसे सेंटर में आते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, पहले तो हम लिखते हैं जो ये x2 का कोफिशेंट है 4 बाई 8, हम ऐसे लिखते हैं 4 बाई 8 ऐसे लिखते हैं, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 हो जाएगा, इसमें हम ऐसे आते हैं सेंटर पे, तो माइनस 6 अपॉन में 8, ठीक है, दो तीन छः दो चौक 8, माइनस 3 बाई में 4 हम लेके चल सकते हैं इसको, यहाँ पे माइनस 3 बाई 4 को प्लस क्यों किया, बिकॉज यहाँ पे माइनस का निशान होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब जो ये आया इक्वेशन नंबर फोर्थ थी ना, जो हमारी इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 बाय 2 से, मतलब इसमें से जो फोर्थ इक्वेशन में से माइनस करेंगे क्या 1 बाय 2, और जो इक्वेशन नंबर फिफ्थ जो सेंटर में थी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे इक्वेशन नंबर सिक्स लेंगे, उसकी भी क्या करेंगे 3 बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ की, और ऐड कर देंगे उसमें, फिर इक्वेशन को जैसे कि मैंने अभी सोल्व किया था इस वाले क्वेश्चन में, ऐसे ही सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अगर मैं आपको फिलहाल सोल्व करके दिखाऊंगी तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन चलो कर लेते हैं सोल्व, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करना तो पड़ेगा। इक्वेशन नंबर फोर देखो, 2x1 प्लस में 4x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 1 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर फिफ्थ की, इसकी करेंगे 8x2 की प्लस में 7x3 की, ठीक है, इज इक्वल्स टू 13। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, पहले ये वाला देखो आप, दो दुनी 4 हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि दो चौका 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, माइनस 4x2 प्लस में यहाँ पे आएगा 7 बाय 2 में x3 इज इक्वल्स टू, इसकी भी करेंगे अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस आएगा, ये इसकी अपॉन में 2 कर देंगे तो 13 बाय 2 आ जाएगा। अब करेंगे 2x1 प्लस में 4x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू माइनस 4x2 माइनस में 7 बाय 2x3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस में 13 बाय में 2, यहाँ पे 6 कर देंगे अपॉन में 2 कर देंगे डायरेक्ट। अब देखो इससे तो हो गया ये कैंसिल, यहाँ पे बचा 2x1, इसको अगर हम सोल्व करेंगे x3 माइनस में 7 बाय 2x3, तो एलसीएम ले देंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 5x3 y में 2 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 2x1 प्लस में इक्वल टू, अगर इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 7 बाय 2, फिर एलसीएम ले देंगे पूरे का तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, एलसीएम लेना तो आता ही होगा आपको, ठीक है, 7x1 प्लस माइनस में 5x3 इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है, देखो 4x1 माइनस में 5x3 इज इक्वल्स टू माइनस 7, ठीक है। अब देखो इसमें देखो ये वाली इक्वेशन तो सेम ही रहेगी, जो फिफ्थ इक्वेशन थी वो तो सेम ही आएगी। अब सिक्स्थ में हमें क्या करना है कि जो हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स्थ है उसमें से हम इसको माइनस करेंगे, किसकी मल्टीप्लाई करके, माइनस 3 बाय 4 की, लेकिन माइनस माइनस तो प्लस हो गए थे, तो हम क्या करेंगे पहले इस वाली इक्वेशन को लिख लेंगे, इसको हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स्थ को, माइनस 6x2 प्लस में x3 इज इक्वल्स टू 9, इसमें से हम क्या करेंगे 3 बाय 4 ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ इक्वेशन नंबर फिफ्थ, देखो
इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 × 2 = 6। इसकी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 3 = 21, 7 × 3 = 21 अपॉन में 4, x³ = इसको इससे करेंगे तो 13 × 3 = 39 अपॉन में 4, 3³ = 39 अपॉन में 4 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। इसको में से इसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस ही करेंगे हम, 6x² + 2 × 24 = 9 मल्टीप्लाई बाय, प्लस में ही हो जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है, 9 × 4 = 36 यहाँ पे 15, ठीक है। इसको हम देखेंगे, इससे ये उड़ जाएगा, ये रह गया हमारे पास, इसमें भी क्या आ जाएगा, 4 × 1 = 25 बाय में 4 × 3 आ जाएगा, उसकी वैल्यू इतनी आ जाएगी 70/4, 4 से 4 कैंसिल, ठीक है, 25 से यहाँ पे 76, x = 3, 25 × 3 = 75, ओके। देन देखो ये आ गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर हो गई, 7, 8 और 9 आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब इक्वेशन नंबर देखो, इक्वेशन नंबर 7 और 8 देखो, आप इक्वेशन नंबर 7 और 8 से हम क्या करेंगे, x³ को एलिमिनेट करेंगे। x³ को कैसे एलिमिनेट करेंगे, अब की बारी हम देखो, इसमें हम ये करेंगे, इसका कोफिशियंट लेके चलेंगे -5, इसका 1 तो -5 आ जाएगा, इसका लेके चलेंगे 7 / 1 तो 7 आ जाएगा, ठीक है, माइनस था माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर इसको सोल्व करें। अब देखो जैसे मैंने ये सोल्व की वैसे ही आप इसको सोल्व करोगे, आप सोल्व करके ना मुझे ये आंसर आपको दिखने नहीं चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ना आंसर बताओगे, आंसर तो दिख ही गए खैर आपको, बट आप इसको सोल्व करोगे और मेरे को आंसर बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो जो हमारे गॉस जॉर्डन मेथड है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। वीडियो लेंथी हो रही है बिकॉज मेरे को समझाने में आपको थोड़ा टाइम लगता है, बट आप वीडियो की स्पीड बढ़ा के थोड़ा देखना इसको, ठीक है, आपको फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले थोड़ा, ठीक है। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो और क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप भी चैनल के नाम से ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।